उधर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में ये चार्जशीट दाखिल की है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। तीन साल बाद ही सही जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली और खालिद बशीर भट्ट के नाम है। जांच एजेंसी ने इस केस में पूरी तैयारी के साथ चार्जशीट तैयार की है। इस मामले के गवाहों के बयान सीआरपीसी की ऐसी धारा के तहत दर्ज किए गए हैं कि बयान से पलटने पर उन्हें सजा हो सकती है। पुलिस ने इसके साथ ही फोरेंसिक और फेसबुक डाटा के जरिए भी सबूत जुटाए हैं। चार्जशीट में सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला राशिद समेत 36 नाम और भी हैं। इनका नाम चार्जशीट के कॉलम 12 में है क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कोर्ट पुलिस के चार्जशीट पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली में इस केस में चार्जशीट दायर हो रही थी तो इस केस के आरोपी कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कन्हैया ने कहा कि मैं मोदी जी और पुलिस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने देर के बाद भी चार्जशीट की है तब भी हम उसको बधाई देते हैं। हम सारा जो पॉलिटिकल प्रेशर और चुनाव के ठीक पहले चार्जशीट हुआ है ये सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं काउंट करते हैं कि 90 दिन के भीतर चार्जशीट होना था। अब जब 90 दिन चुनाव का बचा है तब चार्जशीट हुआ है, हम ये भी नहीं बोल रहे। हम सिंपल इसमें ये बात बोल रहे हैं कि इतना देर होने के बावजूद यहां से भी पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। अगर देश के खिलाफ कहीं कुछ बोला गया है तो पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। सारे एविडेंस जो है वो कह रही है कि हम कलेक्ट कर लिए हैं तो वो इस मामले में स्पीडी ट्रायल करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी गलत है उस गलत व्यक्ति को सजा दिया जाए। कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर आरोप लगाने वाले एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा ने कहा है कि चार्जशीट दायर होने के बाद दोषियों को सजा मिलनी तय है। साक्ष्य था, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वहाँ पे कंप्लेनेंट हूँ, मेरे सामने देश विरोधी नारे लगाए गए। वो तो एक जो जो अफजल गैंग है, जो अर्बन नक्सल से एक जो इनकी पूरी लॉबी थी, जिस तरीके से इन्होंने एक डॉक्टर्ड अनडॉक्टर्ड का एक इन्होंने नरेटिव चलाया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इतना लेट हुआ, जो कि चार्जशीट दायर हो रही है दोषियों के खिलाफ। और सारा सबूत जो अभी जो मीडिया में पढ़ने को मिला है कि CFSL लैब सारे वीडियो के जाँच होने के बाद ये सारा चार्जशीट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉ इस पर एक्शन लेगी, न्यायालय जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन। जेएनयू छात्र संघ ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। आया कि ये फेक है और कोर्ट ने इनफैक्ट कोर्ट क्यों एक्शन नहीं लिया फिर कन्हैया कुमार पे, उमर खालिद पे? बाजाबता वो उनके कोर्ट के आर्डर से वो अपना PhD यहाँ पे सबमिट करके चले गए। कोर्ट ने उनको कहा कि इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब फिर से इसको लाया जा रहा है। एक यकीनन सी बात है, इसमें कुछ स्टूडेंट लीडर ऐसे हैं जो इस वक्त बाहर पूरे देश में बीजेपी RSS के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। आप कन्हैया कुमार को देख लीजिए, उमर खालिद को देख लीजिए, बाकी ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम खुद इस वक्त बीजेपी के अगेंस्ट में कंपेन कर रहे हैं। तो जाहिर सी एक यही बात है कि जो मुद्दे हैं जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको हटाया जाए, और जो वही मनगढ़ंत बातें हैं बीजेपी की, नेशनल एंटी नेशनल, किसने ये किया, वो लाया जा रहा है। आपको बता दें कि जेएनयू में 9 फरवरी को लेफ्ट स्टूडेंट्स के ग्रुप्स ने संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के को फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इसे कल्चरल इवेंट का नाम दिया गया था। शाम 5 बजे उसी प्रोग्राम में कुछ लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की थी। 10 फरवरी को नारेबाजी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 12 फरवरी को नारेबाजी के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में कन्हैया, खालिद और भट्टाचार्य को गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में इन्हें जमानत मिल गई थी। यही नहीं, इस मुद्दे ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया था। राहुल केजरीवाल जैसे नेता इनके सपोर्ट में आ गए थे तो बीजेपी जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा बताने में लगी थी। बहरहाल चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट में तय हो जाएगा कि सच्चाई क्या है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।